हेलो स्टूडेंट्स, तो नीट की करेक्शन विंडो हो गई है ओपन। तो जिन्होंने भी फॉर्म भरते वक्त जल्दबाजी में कोई गलती कर दी है, उन्हें दोबारा मौका मिला है अपनी अपनी गलतियों को सुधारने का। तो करेक्शन विंडो जो है वो ओपन हो चुकी है। आप जाकर लॉगिन मतलब साइट पे जा सकते हैं neet.nta.nic.in के ऊपर। इस साइट के ऊपर आप लोगों को करेक्शन विंडो का एक लिंक मिलेगा, ठीक है। आप उसे ओपन करके चेक कर सकते हैं, आपकी करेक्शन आप वहां पर कर सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से आप करेक्शन कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई देगा सारा का सारा सिस्टम जो है हमारे पास। देखिए, करेक्शन विंडो ओपन हो चुकी है, ठीक है। 24 मई से 27 मई तक ये करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। 27 मई रात 9 बजे तक ओपन रहेगी, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी आज या कल में इस करेक्शन विंडो को ओपन करके अपना अपना करेक्शन कर दीजिए, अपनी अपनी चेकिंग कर लीजिए, ठीक है। लेट करोगे तो साइट बिजी रहेगी और हो सकता है आपकी करेक्शन रह जाए, ठीक है। बट 27 मई तक आपको टाइम दिया गया है, रात 9 बजे तक, क्लियर है। चलिए, उसके बाद क्या बोला गया है यहाँ पे, उसके बाद देख लीजिए आप क्या क्या करेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो सीधी सी बात यहाँ पर बोल दी गई है कि कैंडिडेट्स आर अलाउडेड टू चेंज ऑल द फील्ड एक्सेप्ट, सब फील्ड आप कर सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते, आप लोग अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड नेशनैलिटी को बदल नहीं सकते हो। तो ये चीजें आपकी किसी भी हाल में नहीं बदलेगी, ये वही रहेंगी, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप आधार वेरीफाइड हो, यानी कि आपने आधार की जब उसने ऑप्शन दिया था तो आपने आधार भरा था, तो वहां वाले क्या कर सकते हैं, तो अगर उनकी तीन की तीन फील्ड वेरीफाइड है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी दो फील्ड वेरीफाइड है तो जो भी जरूरत है उस एक तीसरी फील्ड को आप ठीक कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा फादर्स एंड मदर्स नेम की बात करें तो देखिए, कैंडिडेट कैन चेंज आइदर फादर नेम और द मदर नेम इन केस द कैंडिडेट इज चेंजिंग एनी ऑफ दीज टू फील्ड, देन द कैंडिडेट इज नॉट अलाउडेड टू चेंज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर वाइस वर्सा। यानी कि आप फादर या मदर नेम में से कोई एक ही चेंज कर सकते हैं, और अगर आपने फादर या मदर नेम चेंज कर दिया तो आप अपनी फोटोग्राफ और सिग्नेचर नहीं चेंज कर पाएंगे। तो आप देख लीजिएगा कहाँ पर गलती है और किसे ठीक करना है, कैसे करना है, ठीक है। या फिर ये बोल रहे हैं, इफ द कैंडिडेट इज चेंजिंग हिज हर फोटोग्राफ एंड और सिग्नेचर, देन द कैंडिडेट इज नॉट अलाउडेड टू चेंज देयर फादर और मदर नेम। सिंपल सी बात है, अगर माता पिता का नाम चेंज किया तो आपका सिग्नेचर और फोटोग्राफ चेंज नहीं कर पाएंगे, और फोटोग्राफ और सिग्नेचर चेंज किया तो फादर मदर नेम नहीं चेंज कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी की बात की गई है, तो कैटेगरी में ये बोल रहा है कैंडिडेट कैन चेंज आइदर कैटेगरी और रीअपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट। यानी कि आप अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हो या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हो, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, मतलब दोनों चीजें नहीं कर सकते, कोई एक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सब कैटेगरी के लिए इसने बोला है कि कैंडिडेट कैन चेंज आइदर सब कैटेगरी और रीअपलोड द सब कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड वाइस वर्सा। यानी कि आप अगेन पीडब्ल्यूडी वाले के लिए बोला गया है ये कि आप या तो अपनी सब कैटेगरी को बदल सकते हो या सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो, ठीक है। ये तो है आधार वालों के लिए। अब नॉन आधार वाले भी सुन लीजिए, जिनका आधार नॉट वेरीफाइड है, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, अगेन सेम टू सेम चीज है, फादर मदर नेम में अ कैंडिडेट कैन चेंज आइदर कैंडिडेट नेम, फादर नेम और मदर नेम एनी वन ओनली। यानी कि आपका नाम, आपके माता पिता का नाम में से कोई एक ही बदल सकते हो आप, ठीक है, आपका, आपकी माता का या आपके पिता का, कोई एक ही बदल सकते हो, ठीक है। इन केस द कैंडिडेट इज चेंजिंग एनी ऑफ द थ्री फील्ड्स, अगर आपने तीनों में से कुछ भी बदला तो आप अगेन फोटोग्राफ और सिग्नेचर नहीं चेंज कर पाएंगे, और अगर आपने फोटोग्राफ और सिग्नेचर कर दिया तो आप अपना नाम, अपने फादर का नाम या अपनी मदर का नेम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कैटेगरी में भी सेम टू सेम वही चीज है, और सब कैटेगरी में, और डेट ऑफ बर्थ और जेंडर आप बदल सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है कि आप करेक्शन विंडो में किस तरीके से करेक्शन कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियर होगा। दूसरी चीज आपको करना क्या है, सुनिए, ये तो नोटिस आपको नीट की साइट पे मिल गया, ठीक है, neet.nta.nic.in के ऊपर ये नोटिस पड़ा है, आप ये नोटिस भी चेक कर सकते हैं, आपको यहाँ पर दिख भी रहा है। अदर थिंग स्टूडेंट, आप उसी नोटिस के साइड में एक जगह पे आपको ऑप्शन मिलेगा, लिंक मिलेगा नीट करेक्शन विंडो का। आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक स्क्रीन खुलेगी जिसपे ब्लू कलर से कुछ लिखा होगा, वहां पर आप अपना एप्लीकेशन नंबर फिल करेंगे। देखो, नीट यूजी सिलेक्टेड होगा, आप अपना एप्लीकेशन नंबर फिल करेंगे, आप अपना पासवर्ड डालेंगे एंड देन साइन इन करेंगे। जब आप साइन इन करोगे तो आप फिर देखोगे कि नीचे आपको एक लिंक दिया जाएगा जहां पर लिखा होगा करेक्शन। आप उस करेक्शन वाले लिंक पर जब क्लिक करेंगे तो अगेन एक प्रोसीजर चलेगा, आपके पास एक ओटीपी आएगा आपके नंबर पे, और फिर आप करेक्शन कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे स्टेप्स को फॉलो करिए, आप देख पा रहे हैं थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, तो आराम से आज या कल में ही कर दीजिए, और बहुत ध्यान से करिएगा स्टूडेंट, दोबारा मौका नहीं मिलेगा करेक्शन का। तो बस इसी के साथ आज की वीडियो को खत्म करते हैं, और अपडेट्स के लिए बने रहिए चैनल के साथ। एंड यस, जितने भी स्टूडेंट एडमिट कार्ड की बात कर रहे थे उन्हें मैं क्लियरली मेंशन कर दूं कि एडमिट कार्ड एग्जाम से 10-15 दिन पहले आता है, और आपकी आईडी और पासवर्ड से आपको लॉगिन करके वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होता है। तो अभी उसकी टेंशन मत लो, अभी करेक्शन विंडो में करेक्शन करो, पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, अच्छे से तैयारी करो, और ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। और वन शॉट वीडियोस के लिए या किसी भी टॉपिक को डिटेल स्टडी करने के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अभी आज और कल में ही करेक्शन विंडो ठीक करके आना, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।